नामकरण में आज देखिए, अवनि है काफी गुस्से में, जिसके चलते वो दयावंती के कमरे में पहुंच जाती है। और यही नहीं, उसका गुस्सा इतना भारी हो चुका है कि वो बंदूक निकाल लेती है। वैसे अवनि जैसे ही बंदूक तानती है, वैसे ही वहां आ जाती है दयावंती। बस फिर क्या, अवनि का ऐसा अवतार देखकर दयावंती भी थोड़ी सी डरी हुई है। लेकिन आपको भी बता दें कि ये सारी चीजें हो रही हैं फ्लैशबैक में, या ये कह लीजिए कि अवनि अब कोई ना कोई सबक सिखाना चाहती है दयावंती को। अवनि बहुत ही गुस्से में है फिलहाल, बिकॉज वो जो दयावंती हर एक के साथ करती आई है, हर एक की ज़िंदगी ख़राब करती आई है, अब वो रिया के साथ भी ऐसा ही कर रही है। बिकॉज अवनि की दुश्मनी जो भी है दयावंती से है, उसने उसके लिए ख़राब किया है, बट रिया ने कुछ किया नहीं अवनि के साथ बुरा। सो इसीलिए मुझे गुस्सा आ रखा है, मैं पूरा गर्म हो चुका है मेरा सर, और मैं जाती हूँ, गन उठाती हूँ और ठान लेती हूँ आज तो मैं उनको उड़ाई दूँगी। Who knows? मैं तो बस गन उठा के मैंने ठान लिया है कि इस बार तो मैं दयावंती को उड़ा ही दूंगी। अब वो फ्लैशबैक है तो उनके लिए ही, क्या बोलते हैं, उनका लक। हाँ बस ऐसा ही होता है यार, जब आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और आप उसको चुपचाप सह लेते हो, और एक बार आप आवाज़ उठाते हो, सिर्फ एक बार, और वो आवाज़ इतनी भारी होती है कि सामने वाला कांप जाता है, वो डर जाता है। तो वही वैसा ही कुछ हाल दयावंती के साथ अभी हो रहा है। अवनि ने एक आवाज़ उठाई है, उनके सामने बंदूक तान दी है, सब तो उनकी हवा टाइट हो चुकी है। यार मैं उन आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे, और मैं आपके कमेंट्स भी रीड करती हूँ इंस्टा में। थैंक यू सो मच फॉर दैट यार। वैसे अब तक तो अवनि लड़ती आ रही है दयावंती से, लेकिन क्या अब दयावंती की बारी है डरने की? ये देखना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। वैसे ये तो हुई सीरियल की बात, लेकिन आप भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए।